दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपने YTU स्टूडियो में मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो मेरे वीडियोस पे अच्छे व्यूज आए हो ना, सब में ज्यादा व्यूज आए हो, उन वीडियोस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो पहला ही वीडियो आप देख सकते हो 260,000 व्यूज आए हुए, दूसरे वीडियो पे 210,000 व्यू आए हुए और तीसरे वीडियो पे करीब 1,00,000 व्यू आए हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे वीडियो पे अच्छे व्यूज क्यों आए, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का तरीका बिल्कुल सही है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड तो कर देते बट उनका तरीका बहुत ही गलत होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, जिससे आपका वीडियो जो है रैंक करने लगेगा और उस पर अच्छे व्यूज आने लगेंगे। मंजिल तो मिल ही जाएगी लाख भटकने के बाद भी, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है YouTube पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग, मैं कहूंगा 99% लोग, YouTube पे बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत सारी अच्छी वीडियो बनाते हैं, उस पर एडिटिंग भी बहुत सारी अच्छी करते हैं, बट उसे अपलोड गलत तरीके से करते हैं। अगर दोस्तों आप भी एक यूट्यूबर हो, आपका भी चैनल है और आप उस पर डेली वीडियो अपलोड कर रहे हो, बट आपका फिर भी कोई वीडियो जो है रैंक नहीं कर रहा, उस पर व्यूज नहीं आ रहे, उस पर जो है आपको ऑडियंस रिट्रेशन नहीं मिल रहा, तो उसका रीजन है आपका अपलोड करने का तरीका। अगर आप यूट्यूब पे गलत तरीके से वीडियो अपलोड कर रहे हो ना दोस्तों, तो आपका वीडियो कभी भी रन नहीं करेगा, रैंकिंग में नहीं आएगा, यूट्यूब सर्च में नहीं आएगा। आपको यूट्यूब सर्च में लाने के लिए अपने वीडियो को यूट्यूब पे बिल्कुल सही तरीके से अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो सही तरीके से अपलोड करने के लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी एक वीडियो ले लूंगा, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ यूट्यूब में। यूट्यूब में आने के बाद नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। सिंपल, पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अपलोड वीडियोस में चले जाते हैं। यहाँ पे जैसे उनके सामने गैलरी आ जाती है उनकी, जो कोई भी उनका वीडियो है ना, जो कोई भी, एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं कोई वीडियो ले लेता हूँ, एग्जांपल के लिए मैंने ये वीडियो ले लिया, यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देते हैं और अपलोड वीडियो कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनका वीडियो अपलोड हो गया, फिर उसके बाद में वो चले जाते हैं YTU स्टूडियो में। यूट्यूब पे तो अपलोड कर दिया, अब YTU स्टूडियो में चले जाने के बाद यहाँ पे जो है उनका वीडियो दिखाई देता है अपलोड होने के बाद। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो अपलोड होने के बाद जब वीडियो यहाँ पे दिखाई देता है, तो सिंपली वो क्या करते हैं, इधर से जाके इस पे यहाँ पे क्लिक करके थंबनेल वगैरह लगा लेते हैं, जो भी उनको थंबनेल लगाना है यहाँ पे थंबनेल वगैरह सेलेक्ट करके लगा लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, यही से जो है उसका जो टाइटल डाल देते हैं वीडियो का, डिस्क्रिप्शन भी यही से डाल देते हैं और टैग्स भी यही से लगा लेते हैं, जो भी उनके टैग्स है, और फिर यहाँ से वीडियो को पब्लिश कर देते हैं। एक्चुअली ये तरीका बहुत ही गलत है दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हो तो ऐसा मत कीजिए। आपको क्या करना है, वीडियो को अपलोड तो करना है, पर ये तरीके से नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप YTU स्टूडियो में जाके टाइटल डालते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन डालते हो, उसका जो है टैग्स लगाते हो और उसका जो है थंबनेल वगैरह लगाते हो और वीडियो अपलोड करते हो, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। अगर आप एक यूट्यूबर हो और अगर आपको यूट्यूब पे अच्छा सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, अगर आप चाहते हो कि आपका वीडियो भी अच्छे से रैंक होने चाहिए, उस पर भी व्यूज अच्छे आने चाहिए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको YTU स्टूडियो का काम बाद में, पहले तो सबसे पहले यूट्यूब में आपको कुछ करना है। यहाँ पे यूट्यूब में चले जाना है, यहाँ पे आपको अपलोड वीडियो पे चले जाना है, यहाँ पे कोई भी वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये सही तरीका वीडियो अपलोड करने का, सबसे पहले तो मुझे यही से यूट्यूब का जो वीडियो का थंबनेल लगा लेना है, ठीक है दोस्तों, थंबनेल यही से मुझे लगा लेना है। जो कोई भी थंबनेल आपको लगाना है, यहाँ पे से ही आपको लगा लेना है, सिंपली डन कर देना है। अब उसके बाद टाइटल भी आपको यही पे डालना है, क्योंकि इसके अंदर सीन बताता हूं आपको, टाइटल आप यहाँ पे डालोगे ना, तो जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करोगे यहां से, तो यूट्यूब को पता चल जाएगा कि भाई यूट्यूब का जो ये वीडियो है आपने जो डाला है, ये किस रिगार्डिंग है, मतलब क्यों डाल रहे हो आप, इसके ऊपर जो टॉपिक क्या है वीडियो का, इसे वीडियो से लोगों को किस ऑडियंस तक पहुंचाना है, यानी रीजन, इसका जो वीडियो का मेन ये क्या है, मकसद क्या है बताने का, आप इसमें क्या बताना चाहते हो, उसी तरह की ऑडियंस तक जो है यूट्यूब आपका वीडियो को पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यही से आपको अपने वीडियो का टाइटल डाल देना है, अपलोड डायरेक्ट नहीं करना है, जो भी आपका वीडियो का टाइटल है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंस्टाग्राम लास्ट सीन, जो भी है इंस्टाग्राम लास्ट सीन, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे से आपको जो है टाइटल डाल देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपने वीडियो का टाइटल डाल दिया है, इंस्टाग्राम लास्ट सीन कैसे हाइड करें, इंस्टाग्राम लास्ट सीन, ये मेरा वीडियो का टाइटल है। अब इससे क्या होगा, आप जैसे वीडियो अपलोड करोगे ना, तो यूट्यूब को पता होगा कि आप वीडियो में क्या बता रहे हो, पब्लिक किस पब्लिक तक ये पहुंचाना है, किस ऑडियंस तक ये पहुंचाना है, जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट है वही पे ये वीडियो जाएगा। आप पहले डायरेक्टली अपलोड कर देते थे, फिर YTU स्टूडियो में से जाके करते थे, तो अपलोड होने के वक्त यूट्यूब को पता ही नहीं होता ये वीडियो किस रिगार्डिंग है, इसमें क्या बताया गया है, तो वो जो है पब्लिक तक पहुंचता ही नहीं, ये बस 15-20 व्यूज आते हैं आपके वीडियो पे और वीडियो रुक जाता है। तो यहाँ
यहाँ पे आपको टाइटल डाल देना है। यहाँ पे टाइटल को सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेता हूं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। डिस्क्रिप्शन और टैग्स भी आपको यही से लगाने है, हैशटैग वगैरह भी यही से आपको लगाना है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो भी आपको डालना है आप अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आप जो है टैग्स लगा लीजिए, यहाँ पे दो चार टैग्स आपको लगाने हैं। इंस्टाग्राम मैंने डाल दिया एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम लास्ट सीन, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम लास्ट सीन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो हैशटैग्स लगा लिए। यहाँ पे आपको अपने वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन यही से डाल देना है। ठीक है दोस्तों, आपको अपने वीडियो में जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है यही पे डालना है, उसके बाद में ही आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टाइटल भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बताने के लिए डिस्क्रिप्शन डाला, आप अपने हिसाब से आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है यही से आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्राइवेट रखना है और फिर नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद इसे अपलोड कर देना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना यस इट्स फॉर अ किड या फिर नो इट्स नॉट फॉर अ किड, यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट मत कीजिए और सिंपली अपलोड वीडियो कर दीजिए। इतना ही आपको करना है। अब आपको चले जाना है वाईटी स्टूडियो में। अब वाईटी स्टूडियो का काम है दोस्तों, ये पहला वीडियो जो अभी हमने डाला था, ठीक है, ये दूसरा भी यहाँ पे दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये वीडियो अभी हमारा अपलोड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी अपलोड हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो थंबनेल पहले से आ चुका, टाइटल पहले से आ चुका, डिस्क्रिप्शन भी पहले से आ चुका है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है। तो इससे क्या हो गया, अब यूट्यूब को पता है कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग था, ये वीडियो में आप क्या बताने वाले थे, तो वो सही ऑडियंस तक आपके वीडियो का भी पहुंचाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे आपने थंबनेल तो लगा लिया, वीडियो का टाइटल भी डाल चुके हैं आप पहले ही, आपने डिस्क्रिप्शन भी पहले ही डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर टैग्स लगाने हैं। तो आपको चले जाना है मोर ऑप्शन में और यहाँ पे ऐड टैग का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको टैग्स लगाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे से आपको टैग्स लगाने हैं वाईटी स्टूडियो में, क्योंकि वहां पे जो है यूट्यूब में आपको टैग्स लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको टैग्स लगा लेने, जो भी आपके टैग्स है आपको लगा लेने। यहाँ पे आपको कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है, कॉमेडी है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, जो भी आपकी कैटेगरी, यही से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको वीडियो को अपलोड कर देना है, सेव कर देना है, यहाँ पे आपका जो है पब्लिक कर देना है इसको, और इसके बाद में वीडियो को आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है। दोस्तों इस तरह से जो है आपको अपने YouTube पे वीडियो को अपलोड करना है, ना कि डायरेक्टली YouTube पे अपलोड करने के बाद फिर बाकी सारा काम है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन है, वीडियो का टाइटल है, थंबनेल है, वो आप आके YT स्टूडियो में करे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको YouTube पे वीडियो अपलोड करते वक्त ही वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो है उसका थंबनेल वगैरह डाल देना है, उसके बाद में आके आपको YT स्टूडियो में टैग लगाने, ना कि डायरेक्टली पहले अपलोड कर दिया फिर जाके YT स्टूडियो में जाके आप थंबनेल डाल रहे हो, टैग्स लगा रहे हो और ये डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, टाइटल डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको वीडियो अपलोड करते वक्त ही सब में इंपॉर्टेंट चीजें, तीन चीजें, एक तो थंबनेल, पहला टाइटल, दूसरा थंबनेल, तीसरा जो है डिस्क्रिप्शन, जिससे YouTube को पता चले कि आपका वीडियो किस रिगार्डिंग है और वो उस वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचा सके। तो दोस्तों ये था YouTube पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। तो होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करना।